तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि YouTube बहुत ही अच्छा एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। बहुत से लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर बने। तो दोस्तों, ये सपना तो सच हो जाता है, लेकिन तो आप जानते हैं कि अगर आप एक बड़े यूट्यूबर बन जाता है तो आपके चैनल पर डाउनफॉल आ सकता है, आपके जो वीडियोस है उसमें व्यूज आने बंद हो सकता है, क्योंकि काफी जो क्रिएटर्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं उन पे व्यूज आना बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो इससे आपके अर्निंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो आप क्या जिंदगी भर यूट्यूब से कमाई कर सकते हो? कभी आपने ये सोचा है? तो आपने नहीं सोचा है तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ इस वीडियो को लेके। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आपका स्वागत है फिर से मेरी नई वीडियो में। तो मेरा नाम है यश और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल यश चैनल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। नंबर दो पे सर्च इंजन आता है, गूगल से दूसरे नंबर पे ये सर्च इंजन आता है। तो यहाँ पे लोग अपनी जो दिक्कतें होती हैं उसको सर्च करते हैं, उसका सॉल्यूशन पाते हैं, और हम जो क्रिएटर होते हैं हम उसका सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जो अर्निंग होती है वो इसी चीज से होती है कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अर्निंग भी जब ही होती है जब हमारे चैनल पे व्यूज आता है। तो अगर ये व्यूज एक दिन आने बंद कर जाते हैं, चाहे हम जितने ही बड़े क्रिएटर हो, अब व्यूज आने बंद हो जाता है तो हमारी अर्निंग कहाँ से होगी दोस्तों? तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ इस वीडियो को लेके। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप जानते हैं यूट्यूब पे काफी सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आते हैं जिसके वजह से हमारी वीडियोस को बूस्ट मिलता है। तो बूस्ट मिलने के बाद दोस्तों, हमारी जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग पे आ तो जाती है, लेकिन आगे जाते जाते उसकी जो रीच है वो कम हो जाती है, व्यूज आना कम हो जाता है। तो इस चीज से जो हमारी कमाई होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें एक एवरग्रीन टॉपिक जरूर चुनना चाहिए जिससे हम वीडियो बना के अपलोड कर सके और फ्यूचर में भी लोग उस वीडियो को जरूर देखे। और हमें ऐसी चीज बनानी चाहिए जिससे सॉल्यूशन हो लोगों की दिक्कतों का। तो बेसिकली दोस्तों, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मेरा टेक चैनल है तो मुझे इसमें एक ऐसा टॉपिक जोड़ना चाहिए जो वो सालों तक चले, लोग देखे। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से जो टेक्निकल चैनल है तो वो एक वीडियो ऐसी बनाते हैं जो इनकी रेगुलर चलती ही रहती है, चाहे वो कितनी ही पुरानी हो। जैसे कि हम सर्च करते हैं कि हमें कौन से नीच पे चैनल बनाना चाहिए, बनाना बेस्ट नीच फॉर यूट्यूब चैनल। तो जो न्यू यूट्यूबर्स आएंगे उनको यही दिक्कत होगी कि वो किस टॉपिक पे चैनल बनाए, किस नीच पे वो चैनल बनाए। तो वो हर बार सर्च करेंगे तो आपका वीडियो उनके सामने जरूर आएगा, वो सालों तक चलेगी। वो हर किसी को दिक्कत होती है नीच चॉइस करने के लिए, तो लोग आपकी वीडियो जरूर देखेंगे। तो वो एवरग्रीन वीडियो होगी दोस्तों, और वो आपके सालों तक चलते जाएगी, वो आपको कमाई करके देंगी। और बहुत से ऐसे वीडियोज होती है जो सिर्फ एक बार कमाई करके देते हैं। जैसे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल गया है, कोई रोस्टिंग वीडियो चल गई है, ट्रेंडिंग ही है उसका, तो वो उसी समय चलेगी, उसके बाद लोग उसे देखेंगे नहीं। तो हमें एवरग्रीन वीडियो बनाते रहना चाहिए, बीच बीच में चाहे कुछ भी हो एवरग्रीन बनाते रहिए और आपकी कमाई होती रहेगी। और तो सबसे ज्यादा दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट में जरूर ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में से जो कमाई होती है उसका कुछ परसेंटेज आपको इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट देती है, आपका जो पैसे है उसको बढ़ाती है। तो वो आपके पूरे टाइम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। तो बेसिकली दोस्तों, आपको कभी एक ही अर्निंग पे अर्निंग सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको दो तीन अर्निंग सोर्स बनानी चाहिए जिससे आपकी कमाई हो। अगर यूट्यूब आप कर रहे हो तो स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है, वो दूसरी आपकी हो गई फेसबुक पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तीसरी वो हो गई, और चौथी आपकी हो सकती है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक ही अर्निंग सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको दो तीन अपनी अर्निंग की सोर्सेस बनानी चाहिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखिएगा कि एवरग्रीन वीडियो जरूर बनानी चाहिए। आपका कोई भी नीच हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का आपका चैनल हो, आपको एवरग्रीन वीडियो जरूर बनानी चाहिए जो आपके सालों तक चले, लोग उसे देखे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी और जय हिंद।